जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास, और खास होने की वजह भी है कि वर्षों वर्षों में ग्रहों के संयोग बनते हैं और वो जातक को किसी न किसी रूप में लाभ दे जाते हैं। उसके बारे में भी हम विस्तृत रूप से चर्चा इस वीडियो में करेंगे, क्योंकि हमारा जो आज का ये वीडियो है ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है कि आपकी राशि से ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की युति, ग्रहों का परिवर्तन फरवरी 2023 में आपको कैसा फल देने वाला है। यानी इसको हम कह सकते हैं फरवरी का मासिक राशिफल, मंथली प्रेडिक्शन, मंथली हॉरोस्कोप। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आपकी राशि से कौन से ग्रह कहाँ हैं, कि जैसा ही महीने शुरू होता है तो आपकी राशि के अंदर शुक्र और शनि का एक प्रबल राजयोग बन रहा है, जहाँ शनि ने 17 जनवरी को राशि परिवर्तन किया और परिवर्तन करके शनि के 7.5 के दूसरे चरण के रूप में आ गए हैं। इसके लिए अलग से मैंने वीडियो बनाया, आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि 7.5 का दूसरा चरण कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। शनि शुक्र का एक राजयोग राशि की शुरुआत में बना और 15 फरवरी को यही शुक्र जो शनि के साथ राजयोग बना रहे हैं राशि परिवर्तन करेंगे और फिर ये पहुँच जाएंगे राशि से दूसरे घर में, जहाँ पर बृहस्पति हैं वहाँ पर बृहस्पति स्वग्रही और शुक्र होंगे उच्च के। तीसरे घर में होंगे राहु, चौथे घर में होंगे मंगल का गोचर। राशि से नवम भाव में केतु हैं, राशि से एकादश भाव में बुध 7 फरवरी तक धनु राशि के अंदर हैं, उसके बाद वो मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और सूर्य 13 फरवरी तक मकर राशि के अंदर हैं, उसके बाद सूर्य का परिवर्तन होकर सूर्य आपकी राशि के अंदर ही विचरण करना शुरू कर देंगे। तो ये तो थी ग्रहों की स्थितियाँ, अभी आपको देंगे क्या। सबसे पहली ही शुरुआत होती है इसमें शुक्र शनि के प्रबल राजयोग से, कि आपकी राशि का मालिक आपको स्वास्थ्य देता है, धन देता है, मान सम्मान देता है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है। अब राशि का मालिक राशि में शनि जैसा ग्रह शश योग बनाकर चल रहा है, ये भले ही 7.5 का दूसरा चरण है लेकिन कहीं ना कहीं शनि की ये स्थिति मकर से ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि ये स्वराशि ही नहीं ये मूल त्रिकोण राशि भी है। और इस मूल त्रिकोण राशि के साथ जब राशि के जो परम मित्र हैं शुक्र, योग कारक हैं शुक्र, जब वो राशि में चले हैं तो इसको कहेंगे महीने की शुरुआत एक बेहतर स्थिति से होती दिखाई दी, कि जब राशि में ही बन गया शुक्र शनि का प्रबल राजयोग। अब इस राजयोग को और बारीकी से समझते हैं कि शनि तो आपको स्वास्थ्य भी देंगे, सम्मान भी देंगे, आत्मविश्वास भी देंगे, आपके भीतर परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता भी देंगे और आप अपने कार्य में पूरी मेहनत तल्लीनता से लगे रहेंगे, ये शनि दर्शाते हैं। क्योंकि शनि को पसंद है कर्म, शनि को पसंद है कार्य, श्रम, मेहनत, और उसमें करने में आप पीछे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये स्थिर राशि का शनि है। अब इसके साथ है पंचम भाव का मालिक शुक्र, इसका मतलब विद्यार्थियों के लिए, एजुकेशन करने वाले लोगों के लिए ये तो बड़ा ही एक उत्तम समय है। माफ कीजिएगा, शुक्र चतुर्थेश और पंचमेश हैं, सॉरी नवमेश हैं। अब नवम भाव को अगर हम देखें तो ये कॉम्बिनेशन मैं कहता हूँ कि नवम का मालिक होता है भाग्य। अब भाग्य स्थान का मालिक जब आपकी राशि के अंदर विचरण कर रहा हो तो कहीं ना कहीं आपका भाग्य, ईश्वरीय कृपा, भगवान का आशीर्वाद आप पर है, धार्मिक कार्य, धार्मिक यात्रा, क्योंकि ये पंचम से पंचम है। तो जो लोग हायर एजुकेशन में हैं, जैसे नेट क्वालिफाई करना चाह रहे हैं, किसी प्रकार का एग्ज़ाम क्लियर करना चाह रहे हैं, मास्टर्स करना चाह रहे हैं, पीएचडी करना चाह रहे हैं, यानी हायर एजुकेशन के लिए, यहाँ बैचलर डिग्री की बात नहीं हो रही है, जो एमए है, एमएससी है, एमबीए है, एमटेक है, या नेट क्वालिफाई है या रिसर्च है, उनके लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। कि भाई मैं इस दौरान प्रयास कर रहा हूँ तो आपके ये प्रयास निश्चित सफल होंगे, भगवान की कृपा आपको मिलेगी। क्योंकि केतु भी यहाँ शुक्र की ही राशि में और शुक्र के ही फल देगा, इसलिए शुक्र के अच्छे फल हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं शुक्र चतुर्थेश है, चौथा घर भूमि जमीन ज़्यादा सुख साधन, यानी घर परिवार के अंदर कोई सुख साधन आना, सुख शांति होना, समृद्धि होना, वाहन हो गया, कोई रिनोवेशन का कार्य शुरू करा दिया, मकान बनाने लगे फिर से, या घर के अंदर कोई सुख सुविधा बढ़ गई, कोई वाहन आ गया, या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आप परचेस करके ले आए, तो वो सब चीज़ें शुक्र की बदौलत आती हैं। अब ये शुक्र 15 फरवरी को राशि परिवर्तन करेगा और बनेगा इस योग कारक शुक्र का धन के कारक और धन के स्वामी बृहस्पति के साथ दूसरे घर में दोहरा राजयोग। इसका मतलब है जो चीज़ मैंने आपको शुरू में कही कि वर्षों वर्षों में ऐसा होता है कि पहले वो शुक्र शनि का राजयोग जो राशि में चल रहा था, अब ये शुक्र और गुरु का राजयोग कि बृहस्पति अपनी ही राशि में, दो धन भाव के मालिक हैं, एकादश और दूसरा,
और शुक्र उच्च का होके वहां पहुंच गया, यानी इस दौरान कुछ बेहतर होगा, धन में प्रमोशन हो गया, तरक्की हो गया, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम मिल गई, सोच से ज्यादा पैसा कमाना या सोच से ज्यादा का पैकेज मिल जाना या सोच से ज्यादा की अच्छी नौकरी मिल जाना भी इसी योग से आता है। क्योंकि दूसरा घर आपके पैसे का है, दूसरा घर आपके नियमों का है, अनुशासन का है, आपकी वाणी का है, आपके परिवार का, बोलचाल का है। और वहां पर योग कारक शुक्र की युति ये बताती है कि भी इस दौरान समृद्धि होगी, क्योंकि वो योग कारक शुक्र चौथे घर मालिक है, यानी परिवार के अंदर सुख साधन बढ़ना, धन के आगमन बढ़ना, तरक्की होना, यानी अगर प्रोफेशनली देखें तो एक बहुत सुंदर स्थिति कि भाई मैं जो कर्म कर रहा हूं उसका मुझे प्राप्ति होगी नहीं होगी, प्राप्ति तो होगी ही, ऐसा भी हो सकता है कि जितना आपने सोचना हो उस सोच से भी परे आपको मिल जाए। इसी को कहते हैं दोहरा धन योग, क्योंकि बृहस्पति दो धन का मालिक है और योग कारक शुक्र वहां एग्जॉल्टेड है। यानी ऐसी स्थितियों में मैंने देखा है कि करोड़ों वाले लोग करोड़ों कमाते हैं, अरबों वाले लोग अरबों कमाते हैं, जो लाखों का काम कर रहे हैं वो लाखों कमाते हैं। ऐसा नहीं कि लाख में 10-20 हज़ार रुपए की तरक्की हो गई। इसी को कहते हैं हम प्रबल राजयोग की अवस्था। अब आप भी ठीक हैं, राशि भी ठीक है, धन की स्थिति भी मजबूत दिखाई दी है। अब कर्म की स्थिति कराने वाला ग्रह कौन है? कि तीसरे घर में राहु है जो आपको बलिष्ठ बनाता है। मंगल की राशि में है, वो मंगल चौथे भाव में बैठकर देख रहा है दशम भाव को, यानी अपने ही स्थान को देख रहा है, यानी कार्य क्षेत्र भी पूर्ण, कि इस दौरान जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको पूर्ण सफलता मिलेगी। काम में पूरा मन लगना, काम के अंदर पूरी तरीके से एनर्जी से आप लगे हुए, क्योंकि मंगल एनर्जी का कारक है, कि जिस काम में हाथ डाला है उस काम से सफलता मिलती है, यानी कर्म को बढ़ाने वाला ग्रह। अब आप इसको और बारीकी से समझिए कि इस महीने में दसवां भाव जो कर्म का स्थान है वो कितना मजबूत है। देखिए शनि की दृष्टि भी वहां है, मंगल भी अपने भाव को देखता है, तो बृहस्पति की नवम दृष्टि भी वहां है, यानी तीन मुख्य ग्रहों का प्रभाव दशम भाव पर है। यानी अगर आप कोई भी उम्मीद लगाए बैठे हो कि भी मेरा ये काम हो जाए तो मेरे वारे न्यारे हो जाए, मेरा कर्म हो जाए, मेरा पैसा मिल जाए, मुझे लाभ हो जाए, तो इससे बढ़िया संयोग आपको नहीं मिलेगा इस पूरे वर्ष भी, मैं कह सकता हूं। क्योंकि ऐसा योग बार बार नहीं बनता कि जब शनि भी बृहस्पति भी और मंगल आपके कर्म स्थान पर संभव बना रहे हैं संबंध, इसका मतलब है कर्म फलीभूत होता दिखाई दे रहा है। अब आप देखिएगा कि पंचम भाव के मालिक बुध 7 फरवरी तक कहाँ पे बैठे हुए, धनु राशि में, पंचमेश पंचम को देखता है, यानी विद्या बुद्धि शिक्षा संतान इन सभी के लिए उत्तम है। 7 फरवरी को बुध का परिवर्तन होगा और बुध पहुंचाएंगे राशि से द्वादश में। अब पंचमेश का द्वादश में जाना लव रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा गया, अपनी बुद्धि से नुकसान ना कर लें उसके लिए कहा गया है। वहीं पंचमेश का द्वादश से संबंध यह भी है कि जो लोग विदेश में पढ़ना चाहते हैं, घर से दूर जाकर पढ़ना चाहते हैं, उनका वीजा नहीं लग रहा है, उनको कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उनके लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। यानी एजुकेशनली मैं इसको कोई खराब योग नहीं मानता हूं, अगर आप स्थिरता से काम करेंगे बिना भटकाव के तो आपके लिए अच्छा है। सूर्य 13 फरवरी तक वहां है, सप्तम का मालिक द्वादश में, जीवन साथी के साथ चल रहे मतभेद या जीवन साथी से संबंधित कोई हेल्थ इश्यूज अगर आ रहा है तो वो सारे प्रॉब्लम्स 13 फरवरी तक ही हैं। रिश्ता नहीं हो रहा है, बात चलती है रुक जाती है, नहीं होती तो सूर्य को आने दे दिए आप 13 फरवरी को आपकी राशि के अंदर, वो राशि के मालिक शनि से संबंध बनाएंगे और सप्तमेश होके सप्तम को देखेंगे। इसका मतलब है ये वो महीना होगा 13 फरवरी के बाद जब आपके लिए वैवाहिक संबंध भी सुधरेंगे, विवाह होने की संभावना बनेगी, रिश्ता हो जाएगा और जीवन साथी से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे हेल्थ इश्यूज है चाहे वैचारिक मतभेद है, वो दोनों यहाँ सॉल्व होते दिखाई दे। यानी ये जो महीना है फरवरी 2023 का, ये बहुत ही बेहतर है। इसका संयोग भी बता दिया मैंने आपको कि क्यों है ये महीना बेहतर, क्यों है ये महीना ऐसा योग बहुत बहुत सालों में आता है। तो ये था मेरा आज का विषय कि कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा ये समय। तो इसमें कोई समय नहीं, ये समय एक्सीलेंट है आपके लिए। ग्रह गोचरीय व्यवस्था आपकी राशि से परफेक्ट है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।